नमस्ते जय जगन्नाथ दोस्तों, वेलकम टू टिके थोड़ा समथिंग, जहां हम टिके थोड़ा थोड़ा बातें करते हैं ऑफ एनीथिंग। सो आज आई एम वेरी एक्साइटेड, टुडे इज डे 3 ऑफ सिल्क सिटी फेस्टिवल और आज आ रहे हैं द लेजेंडरी उदित नारायणन जी। ऑलरेडी आदित्य नारायणन का परफॉर्मेंस हो चुका है, अभी हम लेट नहीं करके अंदर चलते उदित नारायण जी का परफॉर्मेंस देखने के लिए। दोस्तों रात के 10:30 बज चुका है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं मगर अभी भी देखिए कितने सारे क्राउड्स अभी भी ग्राउंड में बचे हुए हैं। और अभी मैं जब सुन पा रहा हूँ कि उदित नारायण जी आ चुके हैं स्टेज पे, तो चलते हैं। ये बहुत ही भीड़ है तो हम स्क्रीन तक जाएंगे, स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूँ आज का परफॉर्मेंस। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी, उदित जी ऑलरेडी स्टेज पे हैं एंड उनके वो सुरीली आवाज में जब आदित्य वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। 6-7 साल का था तब हम लोग प्रोग्राम किए थे और आप सबने इतना आशीर्वाद दिया कि आज उनकी वो मुस्कुराहट जिसपे सब दीवाने हैं। और मैं बहुत ही प्लीजिंग पर्सनैलिटी लगते हैं मुझे और साइड बाय साइड हॉकी चल रहा है तो हॉकी इन द मीन टाइम हॉकी में इंडिया और इंग्लैंड का मैच था आज जो ड्रॉ हो गया, काफ़ी ही कॉम्पिटिटिव था बट इट्स ओके। लोगों ने फादर एंड सन को यहाँ बुलाया और ये प्यार ये आशीर्वाद दिया। मैं अपने आप को उड़िया का ही समझता हूँ, उड़ीसा का ही समझता हूँ। इसका कारण है कि मैं कम से कम मुझे लगता है कि 3-4 हज़ार मैंने सॉन्ग्स गाने गाए हैं उड़िया में। अरे बाप, जो आप लोगों के दिलों में छाया हुआ है। और अगर दूसरा जन्म होगा तो मैं जगन्नाथ बाबा के आशीर्वाद लेके यही फिर दोबारा आऊंगा, क्योंकि जहां 4 धाम में से 1 धाम हो तो वो क्या जगह होगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ला 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 सारे म्यूजिशियन दोस्तों के लिए जोरदार ताली हो जाए। खूबसूरत साउंड प्रोवाइड किए हैं, तमाम इंजीनियर्स के लिए जोरदार ताली हो जाए। गाना सुनते सुनते थोड़ा ये ग्राउंड का भी नज़ारा देख लेते हैं। देखिए ऑलमोस्ट 11:00 बज चुका है बट स्टिल कितना क्राउड है। यही है उदित जी का दीवानगी, फैन फॉलोइंग और क्यों ही ना हो, इतने सारे हिट्स गाने उन्होंने हमको दिए हैं। वाला हूँ दम जो मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ, स्मोक बिस्किट्स। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर स्मोक्स तो आ रहे हैं, देखते हैं ये क्या चीज है, ये क्या। ओके,
ये कितने का है? ये 50 रुपये। देखते हैं कैसे बनता है ये। ये कैसे डायरेक्ट ही ले रहे हैं ना? ट्राई करते हैं ये वाला कैसे रहता है। ये भी टेस्ट है, कुछ अलग नहीं, बस खाली धुआं आ रहा है इसलिए इसकी इंटरेस्टिंग है। बहुत ठंडा है बिस्किट। मे बी ये जो बोलते हैं ये नाइट्रोजन गैस है उसकी वजह से। और ये सॉन्ग स्टार्ट हो चुका है उदित जी के आवाज़ में, और ये सॉन्ग है वी बालूंगा टोका, बहुत ही फेमस सॉन्ग था और सभी भी ये गाना हम लोग सुनते रहते हैं। मन तो बहुत ही खुश है मेरा। और स्मोक बिस्किट्स मैंने ट्राई किया, नॉट वर्थ ऑफ 50 रुपीज़। 50 रुपये के लिए इतना भी खास नहीं था। अगर मन करता है, अगर बच्चे लोग हैं इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे इतना खास नहीं लगा। एनीवेज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट एवरीवन।